मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी आज से लोग हमें दिवाकर सिंह नहीं जानेंगे, आज से लोग हमें डाकू बेगाना के नाम से जानेंगे, डाकू बेगाना के नाम। मेरे साथियों गौर से सुनो मेरा फरमान, क्या फरमान है आपका? और आज डकैती पड़ेगी भाई महलों के दर। और आज डकैती पड़ेगी भाई महलों के दर। महलों के दरमियान जवान 200 करीब खुदवा दो, बहुत अच्छी बात। और लूटे मार दहशत गर्दी ना के चने चब, के चने चब। नक्का करो आप हरण चलकर, नक्का करो आप हरण चलकर भाई दौलत सब लुटवा लो। और रानी सारंगा को भाई खंभे में बंधे, और रानी रानी सारंगा को भाई खंभे में बंधे। आज की रातें हमारी, तो आज की रात हमारी, हाँ करो लूटन की तैयारी। गजराज सिंह हत्यारो और पत्नी मेरी सुधा का उसने देखो शीशे, मेरे नौजवान साथियों सरदार जी तैयार हो जाओ, हवेली को चारों तरफ से घेर लो, हवेली के चारों तरफ बारूद का चाल बिछा दो। बिछा दूंगा। और कोई सर उठाने की कोशिश करता है उसे गोलियों का गोलियों का निशाना बनेगा। तैयार हो जाओ, तैयार के क्या बताऊं, जब से मेरा और मंत्री का सिलसिला चला है तब से जत्ते मैं मंत्री जी को नहीं देखती तब तक मैं बेचैन रहती हूँ, और न मालूम मंत्री जी कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, मैं उनके बगैर बेचैन रहती हूँ। मैं इंतज़ार करूँगी कि कब मेरे पास वो आएंगे। महारानी जी बहुत गजब हो गया। महारानी जी क्या बात, बहुत घबराए हुए मंत्री जी? हाँ महारानी जी, क्या बात है? आप नहीं जानती हैं, जैसा कि आपने कहा था और आपके कहने के अनुसार मैंने सेनापति दिवाकर सिंह की पत्नी का शीस काट कर भोजन में दिया था। तो क्या हुआ? और आज महाराज ने जानती हो क्या किया है? क्या किया है? महाराज जेल में पहुंचकर सेनापति दिवाकर सिंह को जेल से रिहा कर दिया है। सेनापति दिवाकर सिंह को जेल से रिहा कर दिया? हाँ, और इतना ही नहीं, और सिपाहियों को आदेश दिया है कि जाओ
महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। महारानी जी अब क्या होगा? अरे वाह मंत्री जी, ये छोटी सी बात के लिए आप घबरा गए। कौन नहीं, अरे महारानी जी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, कोई तरकीब निकालो ताकि हम लोग बच जाए। मंत्री जी ये तो मेरे दहने बाग का खेल है, ये तो मेरे दहने बाग खेला है, ये मेरा नाम है महारानी सारंग और सब कुछ देखा होगा लेकिन आज तक तुमने भी तिरिया जाल नहीं देखा होगा और मैं ऐसा तिरिया जाल दिखाऊंगी कि तुम भी देखते रहोगे। तो करिए कोई उपाय और चलिए महारानी। घबरा नहीं, चलो अब इसी वक्त महाराज आराम कक्ष में आराम कर रहे हैं और मेरे साथ चले आप। चलिए महारानी, चल करके महाराज को गिरफ्तार करके इस दुनिया से मिटा दो। वाह महारानी जी वाह, ना रहेगा बास और ना बजेगी बंसी। वाह महारानी जी। सरामजादी शारंगा और मंत्री गजराज सिंह को गिरफ्तार करके बहुत जल्द जेल में डाल दिया जाए। इस वक्त मुझे सिपाही दिखाते हैं और ना ही महाराज। मेरे धानवीर सम्राट बहुत गजब हो गया महाराज। क्या हुआ महाराज? आपने हुक्म दिया कि जाओ मंत्री गजराज सिंह वह महारानी शारंगा को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन महाराज जब हम गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तो मैं देखता क्या हूं महाराज कि मंत्री गजराज सिंह देखा महाराज। महाराज हमारी और मंत्री जी की फांसी आप करना चाहते हैं? मंत्री जी आप आए जरा कुछ बातें करें। महाराज आपने आदेश दिया कि जाओ मंत्री गजराज सिंह और महारानी शारंगा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। वाह महाराज वाह बहुत। अरे तुमने सेनापति दिवाकर सिंह को इस जेल से रिहा करके अच्छा नहीं किया है महाराज। आज हम तुम्हें इस दुनिया से मिटाकर अरे रक्तसार मुल्क का सम्राट खुद बनूंगा। छीन ले महाराज के सर का ताज। अगर आवाज निकाला तो हमसे बुरा आदमी मिलेगा नहीं। सिपाही तुम क्या कर रहे हो? महाराज मैं बिक चुका हूँ, 45,000 का ठेका है तुम्हें गिरफ्तार करने का। मुझे गिरफ्तार करने के लिए 45,000 रुपए? महाराज जो सपरा सपरावे लाए के नहीं रहा तो कहो बैनामा करायो, जो तय बोवे का एको विश्वा नहीं बैनामा 10 बीघा करा। दरबारी यही तो मैं सोच रही हूँ कि कहाँ मेरी उम्र और कहाँ महाराज की उम्र, लेकिन कमी महाराज में नहीं है, मेरे माँ बाप में कमी है कि जो धन दौलत ऐसो आराम देख करके इस बुढ़े के संग मेरी शादी रचा दिया और हमारी जवानी का उसने ख्याल नहीं किया। राजा जब खम्बम बिजली नहीं आओ तो काहे कनेक्शन ले थो? लसर लसर पसर मांगे गए दुई दुई पसर। दरबारी 20 वर्ष हो गए अभी तक ये बुढ़ा एक बच्चा नहीं पैदा कर पाया, अब मंत्री का और मेरा सिलसिला चला है, अब कम से कम 4-6 दर्जन बच्चा पैदा करूंगी। राम जादी शरंगा कमीनी, मैं सब तेरी चाल समझ गया, तेरी चाल समझ गया। हराम जादी तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। हराम जादी का अरे कुत्ते तुझे तो चुल्लू भर पानी डूब का खुद पर। अरे मोर बहनी हो रहा तो से का बतावा नहीं हूं मेहराज हूं
मोर बहनी हो रहा तो उसे का बतावत है, जैसे हम रात बिताई कि हमार जियरे जानता है, ये बुढ़ा कुछ नहीं कर पाता, आप कटेगा मेरा और मंत्री राजा। अब हमारी जवानी कटेगी। महारानी जी चलो हथकड़ी पहन, डाल के हाथों में हथकड़ी। महाराज के साथ नहीं देखना चाहिए, महाराज के साथे रहा रहा तुहू सुस्त हो गया। अरे ऐसा तुझे कहना चाहिए। कहे कहे ना, परसों तुम्हारे मेहरारू आवत आई नहीं, कहे खटिया के पाठी पकड़ के सो जाए, कहे लायक है नहीं, ये सब बेकार है। अब हम महाराज को चुनिया से मिटा देते हैं। महारानी जी आप नंबर बोलिए, मैं महाराज को और इस सिपाही को मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं कुत्ते का शक्ल देखना नहीं चाहती। नंबर एक और नंबर दो। तो बस खबरदार गजराज, रुक जाइए, वार खंजर का इन पर चलाना नहीं। वार खंजर का इन पर चलाना नहीं, खड़े तुम सब रहो अपनी अपनी जगह, खड़े तुम सब रहो अपनी अपनी जगह, चूक सकता है मेरा निशाना, चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। कैलाश से पहले महाराज के हाथ की हथकड़ी खोल। कौन है जो हमारे बीच में दखल देने के लिए आ गया है? गजराज से ज्यादा ऊंची आवाज सुनने के लिए डाकू बेगाना नहीं आया। बेगाना, ये बीघन नहीं, ये महल है, और यहाँ आने वाले के पाँव के निशान तो मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के पाँव के निशान नहीं मिलते। ये हथकड़ी, हथकड़ी खोल। चलो, हथकड़ी नहीं खुलेगी, कौन होते हो हथकड़ी खुलवाने वाले, पहले ये बताओ। ये डाकू बेगाना। अरे डाकू बेगाना, कब से डाकू बेगाना पैदा हो गया इस दुनिया में? और महारानी सारंग का नाम कभी सुना है? हथकड़ी खोल, खोल हथकड़ी, खोल दो। और याद रख, रानी सारंगा और गजराज सिंह, आज तो जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारा फिर आऊंगा, तुम सबों की मौत के लिए। श्यान बिलरिया बूसी मोच है। हराम खोर, मैं तुझे बार बार इशारा कर रहा था, तो क्या मेरी शमशीर को तुमका पकड़ाओ, रहन पकड़बो भाई। क्या पकड़ा था था? शमशीर यार। अगर शमशीर दे दिया होता तो रोमा उखाड़ लेते। पकड़ा रखा, नाम निशान मिटा देता। वही लाए के पैदे भाई सिपाही। क्या करे सिपाही यार, आ मेरे साथ, उस बेगाना का पीछा करते हैं और जहाँ कहीं भी मिलता है का नामो निशान मिटा देते हैं। क्यों नहीं, आ मेरे साथ। दरबारी, क्या देखते हो? हुकुम दो महारानी। क्या देखते हो, चाहे जिंदा मिले चाहे मुर्दा मिले, उस डाकू को पकड़ कर 24 घंटे के अंदर हाजिर करो, ये तुम्हारा काम है। ठीक महारानी जी, मैं चल रही हूँ।
सारी गलती यही कंजरिन के है या मेहरारू ना आए कंजरी ना आए। अगर गांव के दबहल हो तो यही तरह मेहरारू ले आओ, एक कैद पूरे गांव को मेहरारूवन का लगा दियो, एक कैद या पर्यथिन का लगा दियो, या अकेले काफ़ी है। सब कुछ करे भाई लेकिन बुढ़ाई दे ब्याह न करे, जो सपरा सपरावे के लायक ना रहे तो मेहरारू ना लावे। महाराज बुढ़ाई दे ब्याह कहिन मौज मंत्रिया कह रहा है, बैनामा महाराज के नाम जोतत बोवत वही सार है। क्या हुआ तुम्हारा बात ना है? नहीं क्या बोला ऐसी मेहरारू, क्या बोला तुम्हारा बात ना है? और किसकी बात है? वह बुढ़ी बात तुम का गरियावर रही है। बुढ़ी यही वाली अगर मेरे खिलाफ बात करेगी ना तो तोपों से उड़वा दूंगी बुलवा कर तुझे। और सुन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, 20 साल के लौंडे जितने हैं वो रह जाए, और 20 साल के ऊपर जो भी है उसे बुला कर किसी भी हालत से लालच से बुलवा करके दरबार लाओ, ठीक? और उन्हें कमीनों को तोपों से उड़वा दो। उड़वा देंगे। यार बुखला नहीं खोल ही छो, सुनत रही कहा हम कहीं गए यार। एक बात है मेहरारूवन से मरुआ में बहुत नीक लागत थे, का करी नहीं रातों दिन मरुआवा करी। मेहरारू मात वही सोनार के दौड़ी पिट पिट मारा थी, लोहार वाला गंधर्व तो ये लपलपाता रही हैं। लेकिन यार भैया हम सोचत रहें ब्याह कह ले, लेकिन अब ना करब भाई, नहीं 12 मास हम नौटंकी ना चीज है, हमारे गांव के लौंडन के राज हो जाए, सब भौजी भौजी कह के नाश्ता करी हैं, हम रलुए छी खन। लेकिन मेरे भैया दोस्तों सब ये सब कुछ करें लेकिन बुढ़ाई दे ब्याह न करें। लेकिन ये तरह के मेहरारूवन का नरकों में नहीं ना ठिकाना, जौन मेहरारू अपने मन से धू का न भय वह दुनिया में को का न भय कना है। और तिरिया सात जन्म पछताए पछताए जो पति से दगा करेगी, तिरिया सात से दगा करेगी तो कुकुर जन्म मिलेगी, जो पति से दगा करेगी तो कुकुर जन्म मिलेगी। तिरिया 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 गाँव गाँव छुछुआए छुछुआए जो पति से दगा करेगी, पति से दगा करेगी तो मछली जन्म मिलेगी, जो पति से दगा करेगी तो मछली जन्म मिलेगी। तिरिया 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 ताल ताल मर राए मर राए जो पति से दगा कर, ये तलवारें यहाँ पर मेरे लिए रखी गई हैं। और कामरान जादूगर ने कहा है कि जो 3 तलवार हैं वहाँ पर एक छोटी तलवार और जो मुड़ी हुई टूटी है उसी तलवार को लेकर जाना झिंझिक नदी पे और वहाँ पर मछलियों को मारकर अंगूठी लेकर आना। मैं ये बीच वाली तलवार उठाकर और झिंझिक नदी पर जाऊंगा और मछलियों को मारकर उसकी अंगूठी लेकर मुझे आना। अरे ये क्या करने जा रहे हो? तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि हमारे पिताजी की तलवार जादुई है, इसमें तुम हाथ लगाओगे तुम भस्म हो जाओगे। तुम्हें तलवार चाहिए? हाँ मुझे तलवार चाहिए। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तलवार देती हूँ। ये लो तलवार। और क्या चाहिए?
और मुझे एक अंगूठी चाहिए। अंगूठी चाहिए? जी हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें अंगूठी दे रही हूँ, लेकिन ये बात मेरे पिताजी से नहीं कहना कि अंगूठी लता ने दी है। तुम जा सकते हो, तलवार मुझे दे दो, तुम्हें वक्त आने दूंगी। ये जा सकते हो तुम। क्या बताऊं, ये कितना नौजवान और कितना खूबसूरत है तो हिंदुस्तानी, लेकिन ये मेरे दिल में समाता जा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे पिताजी के पास जाएगा और शादी के वचन मांगेगा और मेरी शादी इसके साथ हो जाएगी। और दिल का भोला व्यक्त तबीयत का बड़ा खे सादा, वादिये इक्स से आया थे मेरा सब ज्यादा, वादिये इक्स से आया। और हे कमलाक्षा, हमारा भेजा हुआ दुश्मन अब तक मिट गया होगा। मिट गया। हमारी जाती मछलियाँ, हमारी जाती मछलियाँ उसकी मांस को नोच नोच करके खा गई हो। तो देरी किस बात की है? अबे डोंट बी लेट, हाउ जॉयफुल द प्लेजर इज माइन। सारे भूत प्रेत मिल मिल करके आओ नाचो छम छम। अबे कामरान के सेवक एकदम, अबे मुख से बोलो बम बम बम। चुप, क्या हुआ? अबे साले टूटा इंजन की तरह फट फट कर रहा, देख नहीं रहा है? आ गया। अबे मरा क्यों नहीं बे तू? तू मेरे को मारने आया क्या रे? तलवार कैसे उठा? अंगूठी लाया नहीं लाया? लेकर आया हूं। ओ गॉड, अबे ये रही वो अंगूठी। जिस अंगूठी को आपने मंगाया था ये वही अंगूठी है। देखता हूं साला डुप्लीकेट तो अंगूठी नहीं लेकर के आया है। हो सकता है बेवकूफ बना रहा हूं। अभी मैं इसका ऑफिशियल करता हूं। ओम नमो भगवते सर्वसिद्धाय अंगुष्ठीय मुद्रिकाय नमो नमः। ये तो वही है बे, क्योंकि हमारी पत्नी का नाम भैरवी है और भैरवी वर्ड का पहला अक्षर भा से पड़ता है, धनु राशि की है। ये हमारी अंगूठी है। अबे तूने तो मेरा दिल जीत लिया चिरकुट। आई एम वेरी हैप्पी। व्हाट डू यू वांट? Ask for what dear you want. Speak out. बोल क्या चित्र को जो चाहिए मिल जाएगा, बोल। जादूगर, मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी? अबे शादी, सारा तुम मेरे साथ शादी करिए कह रहे? अभी ये साड़ी नहीं है, तय बंद है। मैं इंसान हूँ, कोई लेडीज नहीं हूँ। मेरे साथ कैसे शादी करेगा तू? नहीं जादूगर, आपके साथ नहीं, आपके बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। हमारी बेटी के साथ? तेरे को कैसे मालूम पड़ गया कि हमारे पास बेटियां भी हैं? कमलाक्षा, अबे दाल में काला है क्या रे? लेकिन ये तो खुद ही बंगाली है, इसे बतलाने की क्या जरूरत है? देख बेटा, मैं तेरे साथ शादी नहीं लेता। तू सर्विस करने के लिए आया नहीं, वो तो मैं दे सकता हूँ, बट मैं तेरे साथ शादी नहीं ले जा सकता। नौकरी बोल क्या चाहिए तेरे को? नहीं जादूगर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ शादी ही। अबे साले, अबे मखमल में टाट का पायबंद नहीं लगाया जा सकता है? तुम साले बंगाल के रहने वाले मछली चावल खाने वाले इंसान, हम साले तुम्हारे साथ अपनी बिटिया की शादी कैसे कर दे? कितनी दौलत चाहिए बोल, कितनी दौलत चाहिए तेरे को? मुझे धन और दौलत नहीं चाहिए जादूगर। अबे साले मूंगफली का छिलका, खाली कारतूस के खोखे, वचन दे दिया उसी का नाजायज फायदा उठा रहा है तू।
अब तो मजबूरी है। ए कमलाक्षा, जाओ तुम्हारी बेटियों को बुला करके ले आओ। मैं दुनिया को बेवकूफ बनाता हूँ, सारा चूहा आकर के मेरे को बेवकूफ बना दिया। देखो कैसी भौर फिराता हूँ तुम्हारी। देखो अभी तेरे को पता चलेगी शादी कैसे रचाई जाती है। रहने दे, प्रणाम को लेकर चाटू क्या? अरे मार दूंगा मैं। ओफो, ये क्या हो रहा है? अरे हमारा तो जान मुफीदत में फंस गया है। मैं आफत में फंसा, तुम्हें प्रणाम की लगी है? भाग ले जाए प्रणाम। तुम तीनों खड़ी हो जाओ। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, तू उधर क्या देख रही है तू रे? ये हमारी तीनों बेट, उधर क्या देख रहा है तू? क्या देख रहा है बे तू? पेट में चूहे लड़ रहे हैं, खलबली मची है। अबे शादी तो रचाना ही एक बेटी का, फिर उधर मारूंगा साले अखिलर, तेरा भेजा निकाल करके कीमा बना दूंगा। है मेरे सामने खड़ा है नहीं तू? है मेरे से बात कर रहा है तू? अगर लड़कियों की तरफ नजर भी उठाने की कोशिश किया तो मैं तेरा कलेजा चाक कर दूंगा। मैं खड़ा हूं नहीं, कन्वर्सेशन मेरे से करना है तेरे को। ओके, ये हमारी तीनों बेटियां हैं। इन तीनों बेटियों में से जो लता नाम की छोकरी है, अभी ये जादू शक्ति में सिखलाई पे चल रही है। बसरते मैं इस लड़की का विवाह तो रचा ही नहीं सकता। और दो लड़कियां हमारे पास शेव में है, इन दोनों में से किसी एक लड़की का हाथ पकड़ सकते हो? हाँ, ये मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इन दोनों में से किसी एक लड़की का हाथ थाम ले। जब मैंने पहले कह दिया कि इस लड़की का विवाह मैं नहीं रचाऊंगा, तो साला उसका हाथ क्यों पकड़ने चला गया बे? हे इधर आ, इसके आंख को बैंडेज कर दे, साले को ब्लाइंड कर दे, ड्रेसिंग कर दे, इसके आंख दिखलाई नहीं देना चाहिए। थोड़ा अच्छी नौटंकी खड़ी कर दी है। अबे जल्दी कर, तुम्हें काफी वेस्ट होता जा रहा है, जल्दी कर। हाँ ये अब बहुत सही है, अब साले अंधे होकर के तुम ढूंढोगे, खोजोगे, टटोलोगे। अब जिस लड़की का हाथ आएगा बाहन में कर देंगे साले। चलो ये है हमारा कमाल, हमारा कमाल बोले तो कामरान जादूगर का कमाल। हम देखो साले को कैसे कठपुतली की भांति नचाते हैं। हाँ देखना। कमलाक्षा, अगर मैं इतना माइंडेड नहीं होता, मेरे पास इतना विस्टम नहीं होता, तो हमारी छोटी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर देता। लेकिन ऐसा है नहीं। अरे क्या हो रहा है? अबे हाथ पीछे हट। अभी ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू? अबे साला इतनी रास्ते को तय करके तू साला मेरे पीछे आ गया? तू मेरी बेइज्जती करने में तू लायक क्या रे? और ये साला इंसान, ये हिंदुस्तानी है, इसे क्या, इसे तो पूरी नहीं तो परेठे से ही अगर गड़बड़ कर देगा तो मैं बता भी नहीं सकता हूं कि मेरे साथ कैसा व्यवहार किया गया है। अबे इसे दिखलाई दे रहा है, इसे नौटंकी कर रहा है। इसका ऑब्जर्वेशन कर तो सही। देख देख, है नहीं लो, ठीक है, मैटर है। देख लड़की के अंदर कोई ऐसी स्मेल, खुशबू तो नहीं आ रही, कोई सुगंध आ रही हो जिसके द्वारा उसकी तरफ जाता हो, ये भी स्वाभाविक है। देख अबे उसे क्या सुनता, बदतमीज नाला, उसे तो मैं चाहता हूं कि शादी हो जाए, उसे क्या सूंघ रहा तू? हैं? उरे सोले मार डालूंगा। अबे इस लड़की को देख, इसके अंदर कोई खुशबू तो नहीं आ रही है? हैं? नहीं कोई खुशबू नहीं, तो ये कैसे, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हे
रहो लड़कियां, लिसन टू मी, प्लीज अटेंड टू मी, मेरी तरफ ध्यान दो और मेरी बातों को सुनो। तुम्हारे चूड़ियों की आवाज नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हारे पायलों की झनक की आवाज नहीं आनी चाहिए, हवाओं को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम यहां पे खड़ी हो। अगर ऐसा किया तुम लोगों ने तो गर्दन काट करके फेंक दूंगा, क्योंकि तुम लोग हमारी इमेज ऑफ सोसाइटी हो, हमारी गरिमा, हमारा गौरव, हमारी प्रतिष्ठा, जो कुछ भी है तुम लोगों पर डिपेंड करता है। अगर जरा सा भी हिलने की कोशिश किया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो, और तुम ये मत भूल जाना कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तो एक कामरान जादूगर भी हूं। प्यार से वाकिफ हो लेकिन ताप से नहीं वाकिफ हो। एवरी योर टेंशन आई से दैट बी गेट ओके, आई गिव यू अ लास्ट वन। चलो साले मरो, मैंने अपने तीनों बेटियों को स्थानांतरित कर दिया, प्लस टू प्लस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कर दिया, बिल्कुल श्योर है फॉस्टर टैन कि हमारी बड़ी बेटी का हाथ इसके हाथ में आ जाए, और मैं बड़े ही धूमधाम के साथ अपनी बेटी का विवाह रचा करके अपने आप को फ्रीडम हो जाऊंगा। है चलो साले, है अब देखना, अब देखना हमारे कमाल को। यह है कामरान जादूगर का कमाल। कमला क्या देख सारे को कैसे नाच रहा है। हम ऐसे इंसानों को ताश के पत्ते की तरह फेरते हैं, लेकिन बाद में तुरुप का पत्ता अपने पास रख लेते हैं। साले ये क्या कर दिया। और तू भी वैसे ही है, तू अपने हाथ को नहीं छुड़ा रही और मुस्कुरा रही है। जब लड़कियां सयानी हो जाती है ना तो उनकी उंगलियां काम करने लगती हैं। अरे देखो ये हमारी बेटी है, छुड़ा नहीं रही बल्कि मुस्कुरा रही है। अरे नालायक, ये क्या गड़बड़ कर दिया तूने। जाओ साले, ओम मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गण ध्वजा मंगलाय कुंडलिकाक्षाय मंगलाय तमो हरि। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्ति निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्य भय। जाओ साले, अबे साले जाते जाते हमारे गुप्तांग में चोट मार दिया, हमारी जिंदगी लेने पे तुल गए हो, हम तुम्हें मार देंगे। नहीं मारेंगे साले, दामाद बन गए हो ना, जाओ जाओ जाओ। आज की रात हमारे जादी पैलेस के अंदर अपने सिंदूर की रस्म को निभाओ, और कल रवि के बिंब फूटने से पहले, रवि के बिंब फूटने से पहले हम तुम्हारी विदाई कर देंगे। लेकिन विदाई कल होगी, शादी हो चुकी है और बीच में रात बाकी है, शादी के बाद रात में क्या करोगे रे। ओ गॉड, ये तो फिर गड़बड़ कर दिया मैंने। जाओ साले मनाओ सुहाग रात, जाओ मरो जाओ। ये सारा चूहा आकर के हमारी बेटी के साथ शादी रख, वचन दे दिया था उसी का नाजायज फायदा उठा ले। लेकिन लाए, शादी की बात तो दूर हो गई, ये साला हमारे मेल के अंदर हमारी बेटी के साथ सुहागरात। अबे नहीं, सुहाग से ते पहुंच और जा करके चार टुकड़े कर डाली सलाम जाने को, और एक एक टुकड़ों को उठा करके निकल जा, ना रहेगा पास
तिरना बजेगी बांसुरी। मिटा दे साले को, मिटा दे। पिताजी, हाँ? रुक सक कीजिए पिताजी। बेटियों। पिताजी, प्रणाम। प्रणाम, बेटी। जी। हम तुम्हारी मजबूरियों को समझ सकते हैं। क्या किया जाए बेटी? एक प्रकार से इसे रेमांड समझो बेटा। वचन दे दिया था, उसी का फायदा उठा लिया है। हम जानते हैं कि तुम्हारी कितनी बड़ी मुश्किलें इस समय है तुम्हारे सर पे, लेकिन बेटी तुम परेशान मत होना। हम है नहीं, हम कोई ना कोई अच्छा सबर ढूंढ करके लाएंगे और तुम्हारे भी हाथों को पीला करेंगे। हाँ, जाओ जाओ, महल के अंदर जाओ। हे कमलाक्ष, आज ही सुहाग से पे पहुंच और जा करके उस सुअर के बच्चे के चार टुकड़े का डाल और एक एक टुकड़ों को उठा करके निकल जाओ। हम उस शरामजादे को जिंदा नहीं देखना चाहते। हमारी बेटी हिंदुस्तान की धरती पे नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती है। जाओ कमलाक्ष, जाओ जाओ। देखो, ये मेरा आशीष महल है और आज हमारी तुम्हारी सुहागरात है। हाँ प्रिय, क्यों नहीं, चलो चले। और तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। से बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खबा न होना। अरे बेटी लता, सुहागसी थी, तू क्या खुशियां मना रही है? तू भूल चुकी है कि तेरा पिता ये मजबूरी में शादी कर दिया है। मजबूरी में? हाँ, क्योंकि उसने वचन दे दिया था, उसी लिहाज से उसने शादी कर दिया है। लेकिन वो तेरे पति को मार डालना चाहता। क्या? वो तेरे पति को मारने के लिए कमलाक्षा को भेज चुका है और खुद भी आ रहा है। अगर जी तू इसे बचाना चाहती है तो इसे लेकर के यहाँ से फौरन भाग जा, अन्यथा वो आएगा और इसे खत्म कर देगा। लेकिन अब अरे आप मैं बोल कौन नहीं है? अरे मैं तेरी सहेली कंगी बोल रही हूँ। सहेली कंगी? जब तेरा पिता आएगा तो मैं तेरी आवाज में बोल करके तेरे को भटका दूंगी, बरगला दूंगी, तब तक तू पांव से दूर निकल जाएगी। ठीक है बहन, जाओ, मैं जा रही हूँ। जाओ, भाग लेता, भाग भाग भाग। दरवाजा तो बंद है। क्यों नहीं? परंतु अंदर से खटर पटर की आवाज आ रही है। अंदर लकड़ी फाड़ रहे क्या? अबे चुप! अबे अंदर कौन लकड़ी फाड़ेगा? अरे कमरे के अंदर कोई लकड़ी फाड़ने की जगह होती है क्या? बेवकूफ कहीं का नालायक। बिटिया, लता बेटी, लता बेटी, हम तुम्हारे बाप है, जरा अंदर आना चाहते हैं। बेटा दरवाजे को खोलो, हम अंदर आएंगे। बिटिया बोलो, लता बेटी बोलो। पिताजी। हाँ बिटिया, बोलो मत, दरवाजा खोलो, हम अंदर आएंगे। पिताजी दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों बेटा? क्योंकि आज मेरी सुहाग रात है। अरे भाड़ में जाए तेरा सुहाग रात रे, भाड़ में जाए तू, तेरा पति, तेरा सुहाग रात। मैं खेत की बात करता हूँ और तू खलिहान की बात करती है। अरे
दरवाजे को खोल दे बेटी, अन्यथा मैं दरवाजे को फाड़ करके अंदर आ जाऊंगा। पिताजी अंदर नहीं आना। क्यों बेटा? इसलिए मेरे बदन पे कपड़े नहीं है। अरे बाप रे, कान बन गया तक। क्यों? नालायक कहीं का, ये लड़की बदतमीज हो गई बे। हाँ। ये कह रही कि मेरे बदन पे कपड़े नहीं है। कपड़े नहीं? ये हिंदुस्तानी लोग कपड़े उतार कर स्वागत मनाते हैं क्या रे? अरे मैं नहीं जाऊंगा, वो हमारी बिटिया है, साले हमारी बिटिया को निर्वस्त कर दिया है। हाँ। मैं तो नहीं जा सकता। तू जा। मैं जाऊं? तू जा मार दे। अबे तू साले राक्षस है, तुझे क्या लेना दे, तू भी तो नंगा खड़ा है। हाँ। तुझे क्या मतलब है? और मैं किसे जा सकता हूँ? दरवाजे को तोड़ करके अंदर जा, मार दे जा करके जा। हाँ जा, थोड़ा उतार कर तो हाजरात। ओ गॉड, क्या हुआ रे? वहाँ कोई नहीं है। कोई है ही नहीं है? है ही नहीं। तो फिर कहाँ गए रे? न मालूम। बेटी लता, क्यों अपने बाप को परेशान कर रही हो? अरे मैं गेट पे तेरा वेट कर रहा हूँ। कमलाक्षा कमरे के अंदर जा करके तेरे रिसीव कर रहा है। बेटी है कहाँ तू? है पिताजी? बोल तो रही है। हाँ बेटिया बोला हो। मैं बाथरूम में हूँ। अरे चुप हो जाओ नालायक लड़की। अबे ये बाथरूम में कैसे सुहागरात मना जाता है बे? वो तो 3x4 का कमरा होता है, वहाँ कैसे क्या? अबे बाथरूम के अंदर मार, बाथरूम के अंदर मार। चला बाथरूम में लेकर चला गया हमारी बेटी को। खत्म कर दे साले को, खत्म कर दे। अबे ये सब पिला करके डाल दिया साले। जिस काम के लिए कह रहा साला, वो काम तो नहीं करके ला रहा साला, दूसरा काम करके ला रहा है। तेरे को बदबू नहीं दे रहा है? अका, वहाँ कोई नहीं। कोई है ही नहीं है? जुल्लू थे। ओ गॉड, बेटी तुम किस वस्त में परिणित हो गई हो? सदृश हो जाओ बेटा, मेरे समक्ष आ जाओ। थोड़ी सी बात करने की लालसा है बेटा, मिलने की सडनली जिज्ञासा प्रकट हुई बेटे। रमन बोलो बिटिया। रमन छोड़ो, आज रमन छोड़ो, गुदी लग रही है। पिताजी आवाज दे रहे हैं। अरे बाप, छोड़ो न रमन। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? अबे एक बार आवाज दे रहे जाने तो कि कमरा तो इधर है और आवाज इधर से आ रही है। छोड़ो, इसका मतलब क्या हो सकता है? मनी क्या कर रहा है? छोड़ो। बहुत गुदी लग रही है। बोल रही है क्या? कंघी बोल रही है? पुत्री क्या कर रही हो बिटिया? वही जो करना चाहिए। चुप हो जा। अबे साले ये कंघी खुद बोल रही, लता की आवाज। कंघी बोल रही? दोनों को भगा दिया। हाँ। और खुद बोल करके मेरे को भटका दिया। हाँ। आज हमारा जादू में धोखा दे रहा है। मार ताली को, मार। अबे मार, मार। नो 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 नो, हट हट गो बैक, हट। मैं किक मारता हूँ, कैसे मारते हैं देख मैं बताता हूँ। हट तो बताए। यहाँ से जल्दी कर निकल, नदियों नालों कुओं पोखरों तालाबों में। हाँ। जंगल झाड़ियों बीघड़ों में खोज निकाल। हाँ। जिंदा नहीं बचना चाहिए, वो जा कहीं भी मिलता है उसे खत्म कर दे साले। हाँ। को जा, नहीं तो लड़की हमारी पाँव से दूर निकल जाएगी। हाँ। और हे लता, पति के चक्कर में पड़ करके तूने अपने बाप को धोखा दिया है। आज तेरा बाप तेरे पति का काल बन गया है। अगर ते मेरी दी हुई जादू शक्ति तेरे पास मौजूद है तो बचा ले अपने पति को। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तेरे हस्बैंड को, जब तक तेरे ब्रैड को इस दुनिया से ऊपर उठा नहीं दूंगा, तब तक पीछे मुड़ करके नहीं देखूंगा। भाग लता भाग, तेरे पति के रूह को खींचने के लिए आज तेरा बाप यमराज व मलकुल मौत का रूप धार करके आ रहा है। भाग लता भाग। मेरे दोस्तों, हमारा नाम है कामरान जादूगर। अगर हमारा काम आप लोगों को पसंद आता है तो गंगा कैसेट के इस चैनल पे बटन को दबा करके हमें सब्सक्राइब करें।